जी ये हमारे पास पेपर है जी, केनाल पटवारी का पेपर है, मॉर्निंग फेज, पेपर नंबर 135 है ये। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। द डिफरेंस बिटवीन थ्री टाइम्स ए नंबर एंड फोर मोर देन टू टाइम्स अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई एक्सप्रेशन थ्री टाइम ए नंबर और 2x+4, यानी टू टाइम फोर मोर देन टू टाइम्स। तो टू 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 टाइम में फोर ऐड करके तो उन्होंने एक्सप्रेशन तो बना दिया, मगर आगे कहता है x की वैल्यू क्या होगी। इस एक्सप्रेशन को वो खुद ही इक्वेशन में कन्वर्ट करने की बात कर रहा है कि हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर बताएं कि हमारा जवाब क्या होगा। इक्वेशन में ना कन्वर्ट करें, बस ऐसे ही हो जाएगा। इसको नेक्स्ट स्टेप में 3x-2x, सॉरी यहां पे इसको हम जीरो करेंगे, बेशक इसको आप जीरो में कन्वर्ट करें, इसको इक्वेशन बनाएं। अगले स्टेप में वो कहता है 3x-2x, फिर ये भी -4, क्योंकि ये माइनस दोनों को अंदर डिवाइड करेगा, तो यहां पे हो जाएगा 2x-x, ये आ जाएगा x, ये -4 दूसरी तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा +4। तो x=+4 यही पूछ रहा है, ये हमारा जवाब है, ए ऑप्शन हमारा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 35 वर्कर्स आर इंप्लाइड टू कंप्लीट ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 16 डेज। बिफोर प्रोजेक्ट स्टार्ट द बॉस ऑफ कंपनी इज टोल्ड दैट ही नीड्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 14 डेज। उसको बताया गया कि ये प्रोजेक्ट 14 दिनों में कंप्लीट करना है। एज्यूमिंग दैट ऑल वर्कर्स वर्क्स एट सेम टाइम, ये एक एज्यूम किया जाता है कि तमाम वर्कर्स की जो कैपेसिटी है वो सेम है। हाउ मैनी मोर वर्कर्स डज ही नीड टू एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। मौजूदा टाइम में, मतलूबा टाइम में काम को खत्म करने के लिए, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने मजीद वर्कर दरकार है। ऐसे क्वेश्चन में पहले ये होता है कि टोटल कितने दिन, टोटल कितने लोग चाहिए, जहां पे मजीद कितने लोग का पूछ लिया है। तो इसमें कोई थोड़ा सा फर्क है, हम उसको ऐसे ही निकालेंगे जैसे हम रूटीन में करते हैं। तो हम जो है वर्कर्स और डेज, तो 35 वर्कर्स हों तो डेज बनते हैं 16, डेज बनते हैं 16। अगर डेज 16 हों तो यहां पे हम रूटीन में एक्स लिखते हैं, लेकिन आज थोड़ा चेंज करेंगे। उसने कहा जी मजीद कितने लोग दरकार है, यानी ये 35 तो होंगे, ये 35 तो होंगे, मजीद कितने दरकार हैं, लिहाजा 35+ मजीद वाला एक्स। तो ये कर लें, वी नाउ दैट कि मेन और डेज की जो प्रोपोर्शन होती है वो ऑलवेज इनवर्स होती है, लिहाजा x+35/35 इक्वल्स टू 16/14, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7। अगले स्टेप में 35+, सॉरी x+35 = 8/7 × 35, ये वाला 35 उस तरफ, इसको काटे तो 5, तो 5 8 40, x=40-35, ये वाला दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। जब हम इसको इक्वल लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी उसको मजीद 5 लोग दरकार हैं। टोटल 40 लोग, लेकिन मजीद की बात है तो फिर 5 लोग दरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2.5% ऑफ ए सर्टेन नंबर इज 250,000, यानी 2,50,000, व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ दैट नंबर। तो एक्चुअल अमाउंट की बात कर रहा है, यानी टोटल नंबर्स की बात कर रहा है, टोटल अमाउंट की बात कर रहा है। तो टोटल अमाउंट, टोटल इज ऑलवेज 100%, ये हम पहले से जानते हैं, लिहाजा लिखे 2.5% इक्वल्स टू 250,000। हमें टोटल चाहिए यानी 100% चाहिए,
तो उसको आप लिख दें एक्स, परसेंटेज से परसेंटेज जाएगी। अगले स्टेप में क्या होगा, ये 100 आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये जो 2.5 है इसने होना डिवाइड। हम इसको 2.5 को 25 कर देते हैं, इशारिया के बाद एक रकम है ऊपर कर देते हैं 10, ऊपर 10 कर देते हैं। फिर क्या होगा, इसको काटेंगे इससे, ये हो जाएगा 1, 25 का 1 हो जाएगा। उसके बाद आप जीरो गिन लें, जितने जीरो बनते हैं आप साथ लगा दें, 1 लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने हो जाएंगे जी, जी ये 1 करोड़, यानी कौन सा वाला बनता है जी, ये बनता है 10 मिलियन, 1 करोड़, बी ऑप्शन बनता है जी हमारा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी, द एवरेज रन ऑफ 8 प्लेयर्स इज 6.5, द एवरेज रन इंक्रीज्ड बाय 1 व्हेन 2 न्यू प्लेयर्स आर इंक्लूडेड, व्हाट इज द एवरेज रन ऑफ 2 न्यू प्लेयर्स। जनरली बता दूं 8 प्लेयर्स की एवरेज है 6.5, कहता है जी जब 2 नए लोग शामिल हो जाए तो एवरेज 1 बढ़ जाती है, एवरेज 1 बढ़ जाती है 2 नए लोगों की एवरेज बताए। जब ऐसी कंडीशन हो तो आपने सम लाजमी निकालना है ताकि आसानी हो जाए। लिखें आप एवरेज ऑफ 8 प्लेयर्स, वो है जी 6.5, हम अब इनका सम निकालेंगे, सम ऑफ 8 प्लेयर्स 6.5 मल्टीप्लाई, जितने की एवरेज थी उतने से मल्टीप्लाई कर दे, 8 की एवरेज थी 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 5 40, 4 हासिल, 8 6 48 और 4 52, इशारिया के बाद एक रकम है लिहाजा यहां इशारिया लगा दे, यानी टोटल 52 नंबर्स बन गए। अब एवरेज बढ़ती है जी, 2 नए बंदे आने से एवरेज 1 बढ़ती है, जब 2 नए बंदे आएंगे, पहले 8 लोग हैं तो अब हो जाएंगे 10 लोग, तो एवरेज ऑफ 10 प्लेयर्स वो कितनी हो जाएगी जी, वो हो जाएगी 7.5, क्योंकि एवरेज 1 बढ़ी, पहले 6.5 थी अब 7.5, तो अब इनका सम निकाल ले, सम ऑफ 10 प्लेयर्स, तो वो हो जाएंगे 7.5 मल्टीप्लाई 10, यानी के 75, यानी के 8 प्लेयर्स का सम 52 है, 10 प्लेयर्स का सम कितना है जी 75, तो जो 2 न्यू लोग थे उनका सम कैसे आएगा, सम ऑफ 2 न्यू प्लेयर्स, तो वो आएगा 75 माइनस 52, 5 में से 2 जाए 3, 2 में से 5 7 में से 5 जाए 2, तो ये उनका सम है, ये उनका सम है 23। अब हम इनकी एवरेज फाइंड करेंगे, क्यों, व्हाट इज द एवरेज रन ऑफ न्यू प्लेयर्स, तो हमें एवरेज चाहिए, तो आप लिखें एवरेज, एवरेज ऑफ 2 न्यू, तो एवरेज 2 की है लिहाजा 23 को 2 पे डिवाइड करें तो 11.5, अगर एवरेज 3 की होती तो हम 3 पे डिवाइड करते, लिहाजा 11.5 बी ऑप्शन हमारा जवाब है। तो ये पेपर भी कंप्लीट हुआ।